हेलो दोस्तों, आज अपन रिव्यू करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता की, स्कूल मैनेजमेंट की पुस्तक जो कि कलाम पब्लिकेशन के द्वारा जारी की गई है। ये पुस्तक SS यादव सर प्राचार्य 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जारी की गई पुस्तक है, जो कि स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड ऑल सब्जेक्ट यानी कि प्रश्न पत्र फर्स्ट के लिए उपयोगी रहेगी। इस पुस्तक का कवर देख लीजिए आप। स्कूल व्याख्याता SS यादव सर, मुकेश भाकर सर, राजेश सिमार, हरिराम जी जाट। बेहतर पुस्तक, इसकी विषय वस्तु देख लीजिए आप। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षक, शिक्षा संस्थाएं, शैक्षिक अभिकरण, शिक्षा में नवाचार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन नेतृत्व शैलियाँ, शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, संस्थागत नियोजन। बेहतरीन पुस्तक है, पेपर क्वालिटी बहुत ही शानदार, कलाम पब्लिकेशन के द्वारा। SS यादव सर जो कि स्कूल मैनेजमेंट अध्यापन के लिए जाने जाते हैं, इनके वीडियोस आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और इस पुस्तक का अध्ययन जो है यूट्यूब वीडियोस के साथ में भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कलाम पब्लिकेशन से ऑलरेडी कोर्स परचेज कर रखा है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं किया हुआ है तो भी यूट्यूब पे इनके वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर देखिए, शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य एवं सिद्धांत, जिसके अंदर इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे ये भी इन्होंने बता दिया है। जो टॉपिक आपको आ रहा है उसको आप स्किप कर सकते हैं, जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, जैसे कि शिक्षा एवं प्रबंधन हो गया, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत हो गए, व्यवहारवादी विचारधारा हो गए। यानी सर देखिए, जो कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है, जैसे कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, किसने कहा कोठारी आयोग ने, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है। एजुकेशन किस शब्द से बना है, सिक्स धातु से बना है, एडुकेयर, इडुको, एडुकेटम, बहुत ही बेहतर कंटेंट। मैनेजमेंट सारा डायग्रामेटिकली बनाया गया है सर के द्वारा, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता FW टेलर, प्रबंधन क्या है, इसकी विशेषताएं, जैसे कि प्रबंधन कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बहुआयामी है। देखिए आप कितना मतलब शानदार तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया गया है सर के द्वारा ये पुस्तक। कई बच्चे सोच रहे हैं कि अभी जो आगामी वैकेंसी आएगी उनमें ये काम आएगी या नहीं आएगी, तो स्कूल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। आप ये पुस्तक परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, और सिलेबस का जब जारी होगा तब उसमें अगर कुछ नया कंटेंट जुड़ता है तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, इतना मैटर एकदम से आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड में 40% अनिवार्य है। कई बच्चे नहीं ला पाते हैं और सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कर पाते हैं बट फर्स्ट पेपर में पीछे रह जाते, तो ये दिक्कतें होती है, इसलिए आपको फर्स्ट पेपर को भी आसानी से क्रैक करना है। मेन मेन सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि आपको मैथ्स नहीं आ रही, रीजनिंग हो रही है तो बेस्ट है, मैनेजमेंट कर लिया, इंग्लिश नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी कर लो, मूल्यांकन, अभिप्रेरणा, एक ही मोटिवेशन का, प्रबंधन के सिद्धांत, हेनरी फ्योल का योगदान, बहुत अच्छी पुस्तक है। POCC जो कि नियोजन, संगठन आदेश, समन्वय नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, इस टाइप के कंटेंट डाला गया है जो कि अदर पुस्तकों में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जबरदस्त कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय, प्रबंधन के सिद्धांत, देखिए बिल्कुल डायग्राम के साथ जैसे क्लास में समझाते हैं वैसे एक वैसा मैटर जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में डाला है बिल्कुल। शास्त्रीय विचारधारा, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लूथर कुलिक की जो पोस्ट कर्व है, देखिए कितना डायग्राम के अनुसार आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाते हैं। आपको ये मैटर इतना पढ़ना जरूरी भी नहीं होता है। देखिए उद्देश्य प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान एवं क्षेत्र, पद सौंपन क्या है इसके, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मैटर है। ब्यूरोक्रेसी, अल्टन मेयो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, देखिए कितना अच्छा, RSCRT जो कि उदयपुर में है, इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे थर्ड ग्रेड हो सेकेंड ग्रेड हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड में पिछली बार ही जोड़ा गया था मैटर, तो उसमें क्यों सुनाए थे इसे। प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, देखिए आप बहुत ही शानदार, इसमें से एक क्वेश्चन पुट अप होते हैं। BSER, RSTB जो कि पुस्तक मंडल है, RSS, RSTB की स्थापना शुरुआत कब हुई, 1974, BSER 1957, इस टाइप से मैटर बहुत अच्छा है। इसको कहिए कि आप डायग्राम के अनुसार ये लोग इसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो कि 21 मार्च 2005 से, बहुत ही बेहतर पुस्तक है। SIQE क्या है, बिल्कुल शानदार डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया गया मैटर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये तो यूट्यूब पर भी सर के द्वारा, एस एस यादव सर के द्वारा बहुत शानदार तरीके समझाया गया। अगर वो यूट्यूब का वीडियो आप पहले देख लेते हैं, उसके बाद में अगर इसका अध्ययन करते हैं, तो आपको आसानी से समझ आएगा मैटर पूरा कि एक्चुअली इसमें है क्या। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा एक वीडियो देखने से। धाराएं कौन सी धाराएं किस अध्याय में है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि TC का आपको धारा 5 में दिया गया है। प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिशत 28 में है, बहुत ही शानदार कंटेंट। आपको बोरिंग बिल्कुल भी फील नहीं होगा आप इस पुस्तक को अध्ययन करेंगे तो। अध्याय 3 माता पिता के कर्तव्य है, डायरेक्ट याद रखते हैं तो भी आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने, इन्हीं में से आने। बिल्कुल इस पुस्तक में देखिए आप, पीछे चैप्टर फिनिश होने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ मामला क्या है। कलाम पब्लिकेशन SS यादव की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, उसका रिव्यू मैंने पहले कर रखा है, तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। वो भी बहुत शानदार अच्छी पुस्तक है। इसके साथ अगर उसको भी आप परचेज कर लेते हैं और उसकी क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा मैनेजमेंट। और गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट से स्कूल व्याख्या में रॉन्ग नहीं होगा फर्स्ट पेपर में। पेपर क्वालिटी बड़ी शानदार। ये है SS यादव सर, ज़बरदस्त टीचर। कलाम पब्लिकेशन 190 रुपये की फिक्स रेट है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही पुस्तकों का रिव्यू लेकर आते हैं। धन्यवाद।